समाचार पर नजर करें तो लोकसभा की सुरक्षा में एक मोटी चूक सामे आवी छे। लोकसभा की कार्यवाही चाली रही थी अने ते दरमियान सुरक्षा में मोटी चूक, लोकसभा में दर्शक दीधा में मोटी चूक सामे आवी। एक दर्शक जे दर्शक गैलरी में बैठो होतो ते शख्स कार्यवाही में दर्शक गैलरी में कूदियो होतो अने सदन की कार्यवाही में एक शख्स घुसे होतो। लोकसभा की कार्यवाही दरमियान मोटी चूक। व्हेन आवर पार्लियामेंट वाज अटैक्ड सो हाउ दे एंटर्ड इनटू इट्स ऑफ instruments releasing smoke, releasing sound, rushing one after one, no security inside the house, they at least jumped, young people. तो सुरक्षा में एक मोटी चूक कही शकाय। सदन की कार्यवाही जो कि अत्यारे 2 वाग्या सुधी स्थगित करी देवामां आवी छे। सदन की कार्यवाही में एक शख्स घुसे होते रिपोर्टर्स बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबॉडी इज लाइक यू नो एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोर ओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। एनबीसी कोई सिक्योरिटी, टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ द पार्लियामेंट अटैक, प्लीज कीप दैट इन माइंड। ऑन दिस डे इट्स हैपनिंग, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट that Indian Parliament has been attacked again but two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. Were they discussing? So zero hour people were standing up and saying whatever they wanted. They came rushing to the, they jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. Well, Lok Sabha mein aaj पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ। तो किस तरह का गैस था कि, अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हाले कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। दूसरे वाले का कुछ ने आज 22मी वर्षी छे, 22 वर्ष थया छे ने आज ज लोकसभानी कार्यवाही मां मोटी चूक। लोकसभानी कार्यवाही हाल रोकी देवामां आवी छे अने जे रीते सांसदो द्वारा कहेवामां आवी रह्यु छे, सागर नामनो एक व्यक्ति हतो, जो कि बे व्यक्तिओ हता, सागर नामनो व्यक्ति, आ बन्ने व्यक्तिओ जे हता तेने हालमां तेमने पकड़ी पाडवामां आव्या छे। मैसूरना सांसद छे, तेमना गेस्ट होवानो हाल तो तपासमां सामे आव्यु छे। जो कि आ लोकसभानी कार्यवाही दरमियान एक मोटी चूक, आ घटना बनता तमाम सांसदों तमाम लोगों स्तब्ध थे गया हता। दर्शक गैलरी में एक शख्स बैठो हतो ने अचानक थी कार्यवाही में गुस्सो हतो, तना कारणे लोको पण अचंभित थया, सांसदों पण अचंभित थया हता। बे व्यक्ति हता तेने धरपकड़ थई छे। जल्दी शून्य प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक दो व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया, एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर, अभी चल रही है। तो आप लोगों ने क्या माने, फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया, अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहां खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते हो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए थे। चोट भी लगा? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कुत्ते आए पीछे खाली बेंच थे, तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में ही जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए उसमें पकड़ लिया उसको। तो सरकार के कौन कौन मंत्री थे उसमें? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, दो मंत्री थे अंदर। अश्विनी आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स
हुआ है जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइम फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है, कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो एक जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। जहाँ मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कुछ चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रखे लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या दो बंदे थे? दो, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन एक हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम, उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है, इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है।